एक ब्रेस्ट कैंसर चैंपियन हूँ और आज मैं आप सबके सामने सुरक्षित खड़ी हूँ। आज मुझे आप सबसे भी एक वादा चाहिए कि हर महीने अपने ब्रेस्ट का तरीके से जांच करें। हेलो एवरीवन, आई एम कैंसर सर्वाइवर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी बॉडी में या कहीं ब्रेस्ट में पेनलेस लंप हो तो उसकी जांच तुरंत कराएं, क्योंकि पेनलेस है तो ये कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसके लिए हमें जांच कराना अवश्य। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभा शर्मा है, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, अगर हम अपने ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है और परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत से नए ट्रीटमेंट उपलब्ध हो चुके हैं और आज बहुत सी महिलाएं इस बीमारी से निजात पा चुकी हैं। हेलो एवरीवन, मैं 57 ईयर ओल्ड सुषमा बघेल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 45 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग मेमोग्राफी एवरी ईयर कराना चाहिए, जिससे कि कैंसर जल्दी से पकड़ा जा सके और सुगमता से उसका इलाज हो सके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड मैं भी ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई लड़ के चुकी हूँ और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। स्पेशली सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है कि बायोप्सी से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, ये एक बहुत गलत फहमी है। बायोप्सी से ब्रेस्ट कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि बायोप्सी से ही ब्रेस्ट कैंसर का इलाज शुरू होता है। थैंक यू। इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला को अपने ब्रेस्ट के बारे में फेमिलियर होना चाहिए। अगर आप अपने नॉर्मल ब्रेस्ट को जानेंगे तो आप उसमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी हो तो उसको भी पहचान पाएंगे। तो जैसे आपने सुना, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत सरल हो गया है, लेकिन ये तभी संभव है अगर हम इसको जल्दी पकड़ें। तो बी ब्रेस्ट अवेयर एंड डू अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी मंथ। और अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हो भी जाता है तो आप याद रखिए, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, वी आर ऑल इन इट टुगेदर।